जीवन में बड़ी सभाएं अनेक संबोधित की है, लेकिन आज जैसी यह सभा मैं कभी संबोधित करूंगा ये कभी कल्पना मेरे मन में नहीं थी। मैं जब आज जैसी सभा कह रहा हूं तो मुझे उसका पहला पहला लक्षण तो यही ख्याल में आता है कि कोई ऐसी सभा जिसमें अटल जी उपस्थित न हो। मैंने नहीं सोचा कभी कि मुझे ऐसी सभा संबोधित करनी पड़ेगी। यद्यपि प्रकृति से जैसे अटल जी रहे हैं, वे कहते थे कभी कभी कि मैं कितने दिन रहूंगा। इस प्रकार की बात जब कहते थे तो मन में तकलीफ होती थी, मैंने जब पुस्तक लिखी थी अपने जीवन की आत्मकथा की, उसमें अटल जी का उल्लेख था और इसीलिए जब उस पुस्तक का विमोचन हुआ और उसमें अटल जी नहीं आए तो मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैं उसका उल्लेख सब जगह करता था कि मैंने पुस्तक लिखी, पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ, लेकिन पुस्तक का जब विमोचन हुआ तो अटल जी उपस्थित नहीं थे। मुझे मन में कष्ट हुआ था। आज स्वयं अटल जी उपस्थित नहीं है और ऐसी एक असाधारण सभा हो रही है जिसमें केवल मात्र अटल जी को जानने वाले, अटल जी के साथ काम करने वाले ऐसे ही अनेक कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन विभिन्न पार्टियों के अलग अलग नेता जिनका शायद जनसंघ से संबंध न भी रहा हो, ऐसे भी यहाँ उपस्थित हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी भी जिस प्रकार से वर्णन बता रहे कर रहे थे और अटल जी के गुण हमारे सामने रख रहे थे, ऐसी अनेक बातें और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी मित्रता अटल जी से 65 साल से रही है। 65 साल से मैंने उनको निकट से देखा है और जैसे अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि उनके साथ साथ मिलकर के कई सारे अनुभव किए, सिनेमा भी साथ साथ देखते थे, पुस्तकें साथ साथ पढ़ते थे, इतना ही नहीं तो कोई अगर अटल जी के परिचय का कोई साक्षात्कार उन
उनके जीवन परिचय से करेगा तो ये भी जानेगा कि अटल जी की विशेषताओं में एक विशेषता ये थी कि भोजन अच्छा पका सकते हैं, बढ़िया भोजन बनाते हैं। और उनके साथ साथ रहते हुए मुझे इसका बहुत अनुभव हुआ कि उनके कभी और कोई पकाने वाला नहीं और अटल जी ही भोजन पका करके खिलाते थे, वो चाहे खिचड़ी सही। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि अगर एक दिन मैंने अपनी पुस्तक लिख करके प्रकाशित की और सार्वजनिक रूप से मैं उसको वितरित करूँगा ये घोषित किया और अटल जी उस दिन नहीं आ सके तो मुझे कितना दुख हुआ कि अटल जी मेरी पुस्तक के विमोचन के दिन भी नहीं आए। और आज इस सभा में मैं जब बोल रहा हूँ तो अटल जी की अनुपस्थिति में बोल रहा हूँ, इसका दुख होता है, कष्ट होता है। मैं उनसे बहुत सीखा हूँ, उनसे बहुत पाया है मैंने। यूँ तो यह पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में ऐसे ऐसे लोग मुझे सिखाने को आए और मेरे कार्यक्रमों में आए, और उनमें अटल जी तो प्रमुख है, लेकिन मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ कि कैसे महान लोग थे। और भी आज भी यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे महान लोग हैं कि जिनका सहवास जिस जिस व्यक्ति को मिलता है वो बहुत कुछ सीख पाता है। अभी जिनका हमने भाषण सुना संघ के सरसंघचालक, उन्हीं से बहुत कुछ हमने सीखा। और आज जब वो अटल जी के बारे में हमको बता रहे थे तो उनके एक एक शब्द को मैं ग्रहण करने की कोशिश करता था और सोचता था कि कितना अच्छा होता कि आज हम अटल जी की अनुपस्थिति में ये बातें न कहते लेकिन उनके सामने कहते, तो कितना आनंद होता, कितना उसके कारण मन में संतोष होता और समाधान होता। बहुत कुछ हमने सीखा अटल जी से, बहुत कुछ पाया अटल जी से, और इसीलिए दुख होता है कि वो हमको छोड़ करके और हमसे अलग हो गए। नियम है, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि अटल जी ने जो कुछ हमको सिखाया, जो कुछ हमको दिया, उसको ग्रहण करके हम अपना जीवन बिताएं। जितनी मात्रा में हम ये कर सकेंगे उतना हम एक प्रकार से जो संस्कार हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पाए हैं वो हमने उन संस्कारों को हमने कार्यान्वित किया, ये हमको मन में संतोष होगा। यही कह करके मैं विनम्र श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि
कि उनके बताए हुए मार्ग पर मैं स्वयं जीवन भर चल पाऊँ और सब साथियों को वही संस्कार देने के मैं समर्थ हो सकूं, ये शक्ति भगवान मुझे दे।